ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ନେଇଛି, ତାର ଖୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ओडिया रोसेई रो वीडियो देखिया पाई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसेई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरते बेल आइकन को भी दबे दिया। आज मु आपण मन सहित बागदा चिंगुडी रो रेसिपी शेयर करबा को जाउ छी। एठ मु 5टा बागदा चिंगुडी को नै छी, जोडा के देखिया पेंगा टिके बडो आ अलगा चिंगुडी अपेक्षा टिके बडो एवं तार गोडो गुडी को आपण देखि पाउ थिबे एडा बहुत लंबा ओडी बहुत मोटा हाइ थै। एडा को बाछे समय हम टिके केयरफुली बाछे को पड़िबो, एटा केमती बछा जाए आपको एटा केमती भजा जाए आर केमती तरकारी बनिया हुए तार रेसीपी मुझे आपण मन सहित शेयर करवाक जाऊँगी। तो प्रथम ये आपको देखेबी कि गोटे चिंगुड़ी नहीं कि एटा कोहली भाव में बछा जाए। तो देखो ये प्रथम गोटे चिंगुड़ी नहीं तार खोली गुड़ को आपड़ भाव छड़े ने भल भाव देखिपे मुझ सब चिंगुड़ी गुड़ को भल भाव बाछिक पानी पकई आगुड़ आम चिंगुड़ी गोड़ जोड़ा कि मुझे खंड खंड कर फोपाड़ी आपको तरक यूज करवा तक भल भाव धोई ना तो ये आम हाफ चमच खंडे हलदी गुंड को पकई ना हाफ चमच लुण को पकईनि आई दुई चमच खंडे दही को पकई नौ अल्प टिके लंका गुंड को पकई नौ सब को आम भल भाव मिसई ना मिसेक पांच मिनिट पाई ही छाड़ ना। तो ये आम पांच मिनिट हो सारी एटे मुझ कड़े तीन चमच खंडे रिफाइंड तेल को पकई नहीं आम चिंगुड़ी को पकईवा। तो ये मुझे सब चिंगुड़ी और चिंगुड़ी गोड़ को मध्य पकई नहीं एपट सपट कर ना एटा को आम घोड़े ना जहाद्वारा कि चिंगुड़ी आम बहुत इजिली सीझीज आसी समय लगे। तो देखो चिंगुड़ी एवं आम बहुत भल भाव भाजी सारी एवं मुझे गैस को अफ कर चिंगुड़ी गुड़क भजा होडी सारी। तो ये आम तरकारी बनवा तो से कड़े मुझे चार चमच खंडे रिफाइंड तेल को पकई नहीं आम गोटे चमच खंडे चीनी को पकई ना चीनी पकईवा द्वारा आम तरकारी कलर टी बहुत बढ़िया आसो एवं आम चीनी को मेल्ट हाँपी छाड़ीद मीडियम आंच में। तो देखो ये आम धीरे धीरे चीनी रू फेण बाहर स्टार्ट हो सारे। तो ये समय आमको पिज पकईवार अच्छी पिज टू गोल्डन ब्राउन हवा पर्यटन टे भल भाव भाजी ना आपड़ देखी पाथ्ये पिज रलर टी आम चेज हो आसला। तो ये मुझे हाफ चमच खंडे लंका गुंड को पकई नी हाफ चमच काश्मीरी चिल्ली पाउडर को पकई नी एसब भल भाव मिसई ना एम अदा रसुण पेस्ट को पकई ना ये मुझे चार चमच खंडे अदा रसुण पेस्ट को पकई आपत देखि पाथ्ये ये आम मसलार कलर टी के बढ़िया देखा कारण आपड़ जी आगुरी पिज को भाजिक लंगा गुंड को पकाउंटे आम कलर टी तरकार कलर टी बहुत बढ़िया देखा मसला टी कसा दूर तीन मिनिट हो सारे कटा टमाटो को पकई ने टमाटो को पकई नी टमाटो को पकईवा सागे सागे आम ए स्वाद अनुसार लुण को पकई ना। तो ये मुझे हाफ चमच खंडे लुण को पकई नौ आ स्लो रु मीडियम आँच में गैस को तीन रु चार मिनिट एम छाड़ने जहाद्वारा कि आम टमाटो सॉफ्ट हो मसलाटी भल भाव कसई मसलाटी आम कसई सारी। तो ये मुझे पर पकई नौ पर कखारु आलु बैगन यही सब पर नहीं आपण जहाँ भी पर अच्छे आप सब पर
ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀକୁ ପକେଇବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ ମସଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇଲି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ ପରିବାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସିଝି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ଆମର ଏଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ନେଲେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଏମିତି ହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବା ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ପାଣିଟି ଆମର ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଭଳି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।